नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे मकर राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, इन 15 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में हम कुछ धार्मिक उपायों के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। वर्तमान समय में मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शनि जन्य साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, जिससे बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है और पारिवारिक चुनौतियां भी मिल रही है। तो इसके लिए दो विशेष सावधानी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए ये 15 दिन काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं, जिनकी उपस्थिति आपके धन भाव पर बनी हुई रहने वाली है। केतु आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। राहु आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। चतुर्थ भाव पर इन 15 दिनों में सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग भी निर्मित हो रहा है। शुक्रदेव आपके राशि के पंचम भाव पर मौजूद होकर मालव्य नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक आपके राशि के पराक्रम में रहेंगे, उसके पश्चात ये आपके राशि के सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। हालांकि इनकी युति राहु के साथ हो रही है, जिससे गुरु चांडाल दोष का निर्माण भी होने वाला है। तो मकर राशि के जातकों, इस प्रकार के ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बन रही है। सबसे पहले आपको नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में अगर जानकारी दें, देखिये दशम भाव के स्वामी शुक्रदेव काफी बेहतर स्थितियों में हैं और केतुदेव आपके राशि के दशम भाव पर गोचर कर रहे हैं। इस समयावधि में शनि की स्थिति भी बेहतर है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहतर बदलाव आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मेहनत का भरपूर रिजल्ट आपको इन 15 दिनों में देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं या खुद का व्यापार कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कानून, कॉमर्स, मार्केटिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। जो जातक विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय का संचालन करते हैं उनके लिए समय बेहतर रहेगा। सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से यदि आपका जुड़ाव है तो भी संभावना आपके लिए अनुकूल बनने वाली है और कर्म क्षेत्र में आपको सुप्रभाव मिलने वाला है। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, मकर राशि के जातकों धन भाव पर स्वयं शनिदेव गोचर कर रहे हैं और राशि के लाभ भाव के स्वामी मंगलदेव राशि के छठवें भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर धन में प्रवाह की स्थितियां लगातार बनेगी। सामान्य रूप से आपके जीवन में धन आगमन की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है।
खर्चों में आपको अकस्मात वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। मंगल की छठवें भाव पर युति आपके जीवन में काफी ज्यादा खर्च बढ़ा सकती है। मकर राशि के जातकों को शेयर, सट्टा, लाठी जैसे विषयों में धन का निवेश करने से बचना चाहिए। इन दिनों में आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, तो यदि आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो स्थिति आपके लिए बन रही है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मकर राशि के जातकों राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव से पारिवारिक स्थितियों का विचार किया जाता है। 22 अप्रैल के पश्चात गुरु राहु की युति आपके चतुर्थ भाव पर बन रही है, तो यहां पर 15 से लेकर 22 तारीख तक का समय पारिवारिक जीवन के लिए काफी बेहतर है। 22 अप्रैल से लेकर पारिवारिक जीवन में कुछ मनमुटाव और वैचारिक मतभेद की स्थिति, समस्याओं की स्थिति तनाव का कारण आपके जीवन में बन सकती है। मकर राशि के जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए पारिवारिक जीवन में समन्वय बैठाकर आपको चलना चाहिए। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव पर शुक्रदेव मालव्य नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं। क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़कर जो जातक विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मन में सकारात्मकता और मानसिक स्थिति में मजबूती दिखाई देगी, जिससे विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक बेहतर सफलता अर्जित कर सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। रिश्तों में काफी ज्यादा समन्वय और भावनात्मक संलयता प्रेम संबंधों में दिखाई देने वाली है। वहीं यहां पर अगर वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक संबंधों के मामले में मकर राशि वाले जातकों को समन्वय बैठाकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि शुभ ग्रहों का प्रभाव राशि के सप्तम भाव पर बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पर गुरु राहु की उपस्थिति 22 तारीख से आपके वैवाहिक संबंधों में आपको उतार चढ़ाव दे सकती है, इसलिए किसी प्रकार की गलतफहमी निर्मित ना हो इसका आपको जीवन में ध्यान रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। संतान की प्रगति और उन्नति होने की प्रबल संभावना आपके जीवन में जरूर दिखाई दे रही है। मकर राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में संतान नहीं है उनके लिए संभावना बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, मकर राशि के जातकों राशि के स्वामी बेहतर कंडीशन में हैं, द्वितीय भाव पर हैं, राशि के छठवें भाव पर मंगल की उपस्थिति बनी हुई है। ज्यादा किसी प्रकार की परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही है। सेहत के मामले में ये 15 दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाले हैं। किसी प्रकार की यदि आपको समस्या पूर्व के समय से बनी आ रही थी तो इससे आपको निजात मिलेगी। इन 15 दिनों में मकर राशि के जातकों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रियता और संभावना बेहतर बन रही है। आत्मविश्वास आपका काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा और शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्या नहीं मिल रही है। हालांकि शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको जरूर बचना चाहिए। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व मकर राशि के जातकों को दो विशेष सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों को किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति के गुणों और अवगुणों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है या दूसरे व्यक्ति की कमियां देखना आपको बंद करना चाहिए तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, मकर राशि के जातकों को चूंकि शनिदेव आपके वाणी भाव पर गोचर कर रहे हैं तो यहां पर आप 90 तुल्य शब्दों का प्रयोग जरूर करें। व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कार्यों में जीवन में संलग्न होने से बचें तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव तो शनि चालीसा का पाठ करना और शनि मंत्रों का जप करना ज्यादा बेहतर रहेगा।
उसके साथ साथ मकर राशि के जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। मकर राशि के जातकों, यदि आप मंगलवार के दिन ये रोजाना महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल बनने वाली है। बेजुबान जानवरों के लिए दया का भाव जरूर रखें और यथाउचित दाने चारे का प्रबंध आपको करते रहना चाहिए। इससे आपको जीवन में काफी बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।